तो आगे दोस्तों आप लोग आइए, फिर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों बैंक में आपने एटीएम अकाउंट खुलवाया है और एटीएम लिया है तो आप बैंक में मत जाइए, एटीएम के लिए अप्लाई किया है तो एटीएम घर पे आ गया है उसको लेके बैंक में मत जाइए भैया, क्योंकि बैंक वाले भी बोलेंगे आपको जाके खुद बनाना है एटीएम का पिन। पिन बनाने के लिए किस तरह करना है मैं आपको सिर्फ और सिर्फ डेढ़ दो मिनट में बताऊंगा और फटाफट बताऊंगा। आवाज़ पे मत जाइए, आवाज़ भले भारी है फटाफट स्पीड से बताऊंगा, वो इसलिए ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो, आपको भी मज़ा आए और मुझे भी मज़ा आए। आदमी चार बातों के लिए, चार वजहों से अपना एटीएम का पिन चेंज करता है। पहला दोस्तों, उसने नया अकाउंट खुलवाया है और अकाउंट के खुलने के साथ ही उसको नया एटीएम मिला है, एटीएम मिलने के बाद उसको नया पिन बनाना पड़ेगा। दूसरा वजह दोस्तों, अगर उसने पहले से उसका अकाउंट है और एटीएम के लिए बाद में अप्लाई किया है, बाद में अप्लाई करने के बाद उसके घर पे एटीएम आता है, एटीएम आने के बाद उसको खुद बनाना पड़ेगा एटीएम का पिन, बैंक वाले बना के नहीं देंगे, कैसे बनाना है वो मैं बताऊंगा। तीसरी वजह दोस्तों, आपके पास पहले से एटीएम है और आप अपना एटीएम का पिन नंबर बदलना चाहते हैं शौक से कि भाई मेरा नंबर किसी ने देख लिया या बहुत पुराना हो गया मैं इसको बदल लूँ, तो भी आपको एटीएम पिन बदलने के लिए एटीएम मशीन में जाना पड़ेगा। और चौथा कारण दोस्तों, अगर आप एटीएम का पिन भूल गए हैं तो भी आपको बनाने के लिए, नया पिन बनाने के लिए मशीन में जाना पड़ेगा एटीएम के, पंजाब नेशनल बैंक के। तो पंजाब नेशनल बैंक का एटीएम का पिन बनाना सीखते हैं हम, फटाफट आगे बढ़ो, उससे पहले बता दो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ में घंटी वाला बटन दबा दो और वीडियो देखने के बाद अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। एटीएम का पिन बनाने के लिए दो तरीके से बना सकते हैं दोस्तों, दो स्टेप बोलो क्योंकि यहाँ पे दो तरीका होता है, पंजाब नेशनल बैंक दो तरीका बताती है लेकिन दोस्तों दोनों एक ही तरीका है। पहला बताती है एसएमएस के थ्रू, तो दोस्तों एसएमएस के थ्रू किस तरह करना है और उसके एसएमएस के थ्रू करने के बाद आपको एटीएम मशीन में जाना ही पड़ेगा, तो एटीएम मशीन में किस तरह जाके क्या करना है चलिए देखते हैं। सबसे पहले एसएमएस किस तरह करेंगे और उसके बाद एटीएम मशीन में क्या करेंगे। एसएमएस के लिए दोस्तों आप अपने एसएमएस बॉक्स में जाइए, वहाँ पर टाइप कीजिए डीसी पिन कैपिटल में, यही टाइप कीजिए सेम टू सेम, उसके बाद स्पेस दीजिए, स्पेस देने के बाद 16 अंकों का एटीएम पिन नंबर टाइप कीजिए, टाइप करने के बाद दोस्तों 5607040 पर एसएमएस कर दीजिए इस नंबर पे, ठीक है। इस नंबर पे एसएमएस करने के बाद आपके मोबाइल पे रिप्लाई आएगा, क्या रिप्लाई आएगा, यही रिप्लाई आएगा भैया कि डियर कस्टमर 654839 इज ओटीपी फॉर सेटिंग न्यू डेबिट कार्ड पिन एंडिंग विथ, ये कार्ड का आपका लास्ट का चार डिजिट नंबर है, थ्रू इंटरनेट बैंकिंग अकाउंट और एनी पीएनबी एटीएम, दिस ओटीपी इज वैलिड अप टू 72 आवर्स। तो दोस्तों इसमें मैसेज की मैं तीन बातें ध्यान रखने वाली बात है, ये कि पहली बात दोस्तों कि आपका ओटीपी 6 अंकों का ये है, ठीक है, बिल्कुल ध्यान रखना है। दूसरा दोस्तों, आप अपने ओटीपी के जरिए इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से या फिर पीएनबी एटीएम से अपना पिन नंबर बदल सकते हैं। और तीसरा दोस्तों, ये जो ओटीपी आया है ये 72 घंटे के लिए वैलिड रहेगा, ये तीन बातें आपको इसमें ध्यान रखनी है। अब इसके बाद आप क्या करेंगे दोस्तों, करना कुछ नहीं है, एटीएम मशीन के पास जाइए, वो भी पंजाब नेशनल बैंक की। पंजाब नेशनल बैंक की एटीएम मशीन के जाने के बाद कार्ड स्वाइप कीजिए, कार्ड स्वाइप करने के बाद आपके सामने ये 8 ऑप्शन दिखाई देंगे, देखिए कौन कौन से ऑप्शन हैं, बैंकिंग फास्ट कैश बैलेंस इंक्वायरी फंड ट्रांसफर ओवरड्राफ्ट फॉर प्रधानमंत्री जनधन योजना अकाउंट एंटर ग्रीन और पिन ओटीपी क्रेडिट कार्ड पेमेंट अदर सर्विसेज में। जल्दी जल्दी इसलिए बोल रहा हूँ कि जल्दी जल्दी वीडियो खत्म हो और आपको जल्दी जल्दी समझ में आए ताकि सबको मजा आए, टाइम वेस्ट ना हो। यहाँ पे देखिए 8 ऑप्शन में से आपको अभी फिलहाल कहीं नहीं जाना है, आपको सिर्फ ये वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, यहाँ पे जो बटन होता है उस पे क्लिक करना है, एंटर ग्रीन पिन ओटीपी। क्लिक करने के बाद आपसे पूछेगा दोस्तों, इफ़ यू हैव रिसीव्ड प्लीज एंटर योर 6 डिजिट ओटीपी, अगर आपने अपना 6 अंकों का ओटीपी प्राप्त किया है तो उसको यहाँ डालिए। तो डालिए दोस्तों, जो आपने घर पे लेटे लेटे मैसेज किया था 6 अंकों का ओटीपी आया था, मैंने बताया था ओटीपी, वो यहाँ डालना है। डालने के बाद यस बटन दबाइए, यस बटन दबाने के बाद ये देखिए सामने यहाँ पे लिखा हुआ भी है पूरी डिटेल की आपको क्या करना होता है, लेकिन फिलहाल वो छोड़ दीजिए, टाइम मत बिगाड़िए, आपको ओटीपी डालिए, डालने के बाद यस बटन दबाइए, यस बटन डालने के बाद आपके सामने ये ऑप्शन आएगा, योर ट्रांजेक्शन इज अंडर प्रोसेस, उसके बाद फिर अगला ऑप्शन आएगा प्लीज़ एंटर योर न्यू पिन। तो दोस्तों यहाँ पे आपका जो पुराना पिन है या पिन भूल गए वो सबको याद करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे वही नंबर डालिए जो आगे रखना चाहते हो, आज के बाद जो पिन रखना चाहते हो तो डाल दीजिए, कुछ भी नंबर डालिए 4596, ठीक है, अटपटा से डालिए, ये नहीं कि 4596 डालिए जो डाल देंगे, अटपटा से डालिए 4 अंकों का, उसके बाद प्रेस ईयर कीजिए, प्रेस ईयर करने के बाद यहाँ पे दोबारा आपको डालना होगा, री एंटर बोला है, दोबारा वही यही जो 4 अंकों का नंबर डाला हुआ है दोबारा फिर से यही 4 अंकों का नंबर डालिए। डालने के बाद देखिए दोस्तों ये आ रहा है पिन चेंज सक्सेसफुली, रुको 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 भैया रुक जाइए,
ये लिखा हुआ आ रहा है पिन चेंजने सक्सेसफुली। आप ज़्यादा कन्फ्यूज ना हो उससे बचने के लिए मैं आपको सिर्फ 10 सेकंड का एक बात बताता हूँ। 10 सेकंड में देख लीजिए किस तरह आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको घर पर लेटे लेटे अपने मोबाइल से मैसेज करना है, डीसी पिन टाइप करना है। टाइप करने के बाद 16 अंक स्पेस देना है, स्पेस देने के बाद 16 अंकों का एटीएम कार्ड नंबर टाइप करना है। टाइप करने के बाद इस नंबर पर भेज देना है। नंबर पर भेजने के बाद आप के मोबाइल पे 6 अंकों का ओटीपी आएगा, वो 72 घंटे तक वैलिड होता है और उसके माध्यम से आप इंटरनेट बैंकिंग या पंजाब नेशनल बैंक के एटीएम मशीन में जाकर अपना एटीएम पिन चेंज कर सकते हैं। हम चले गए पंजाब नेशनल बैंक के एटीएम मशीन में, वहां पर जाकर कार्ड स्वाइप का कार्ड स्वाइप करने के बाद वहां पे एक ऑप्शन दिखाई देगा ग्रीन पिन ओटीपी जी पिन, ऐसा ऑप्शन दिखाई देगा। दोस्तों ये बदलते रहते हैं लेकिन इस ग्रीन पिन से रिलेटेड कोई भी ऑप्शन है उसको दबा देना है। दबाने के बाद आपसे पूछेगा 6 अंकों का ओटीपी, तो दोस्तों यही वाला ओटीपी डालना है जो यहाँ पे आपने डाला हुआ आया था मैसेज, वही यहाँ पे 6 अंकों का वाला ओटीपी डालना है। डालने के बाद आपको पूछेगा न्यू पिन, तो नया पिन जो रखना है वो डाल दीजिए। दोबारा फिर से वही री एंटर कीजिए पिन और आपका पिन एटीएम पिन सक्सेसफुली चेंज हो गया। आप चाहते हो चेक करना तो चेक कर सकते हो। उसके लिए आपको कार्ड स्वाइप कीजिए। कार्ड स्वाइप करने के बाद पूछेगा आपका एटीएम पिन नंबर, एटीएम पिन नंबर जो अभी अभी आपने डाला है वो डालिए। डालने के बाद बैलेंस इंक्वायरी चेक कर लीजिए, आपके सामने स्लिप निकल के आ जाएगी, उस स्लिप में पढ़िए आपका बैलेंस लिखा होगा। बहुत बहुत मुबारक हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को शेयर कर दो, आपका पिन चेंज हो गया है। जय हिंद दोस्तों।